अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ्रेंड मेरा नाम निशान है और आप देख रहे हो नॉलेज अरीना। और यार आज की इस वीडियो में हम एक अलग तरह का टेस्ट करने वाले हैं। हमने ओप्पो F9 में देखा था जब ओप्पो ये क्लेम करता था कि आप इस फोन को 5 मिनट तक करें चार्ज और 2 घंटे का आपको मिलने वाला है टॉक टाइम। तो यहाँ पर F11 Pro में ऐसी कोई चीज़ हमें ओप्पो की तरफ से देखने को मिली तो नहीं, लेकिन मैंने ये सोचा कि यार करके देखते हैं ऐसा कोई टेस्ट जहाँ पर हमें पता चले कि हम 5 मिनट ओप्पो F11 Pro को अगर चार्ज करें तो हमें कितनी देर का टॉक टाइम मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर है मेरे पास एक टाइमर लगाया हुआ मैंने 5 मिनट का, 5 मिनट करेंगे हम इस फोन को चार्ज। और फिर यहाँ पर है मेरे पास एक और फोन, इससे करेंगे इस फोन पर कॉल और फिर देखेंगे कि ये कॉल एंड होती है कितनी देर में या ये फोन टॉक टाइम देता है हमें कितना। गाइज यहाँ पर है मेरे पास ये चार्जर वूक चार्जिंग 3.0 यहाँ पर हमें मिलने वाली है ओप्पो F11 Pro में। और यहाँ पर मैंने जो टाइमर सेट कर दिया है वो है 5 मिनट का, आप देख सकते हो। तो अब हम प्लग इन करेंगे इस चार्जर को और 5 मिनट के लिए हम चार्ज करने वाले हैं ओप्पो F11 Pro को और फिर उसके बाद हम कॉल करेंगे इस पर और देखते हैं कि यहाँ पर हमें 5 मिनट चार्ज के बाद टॉक टाइम मिलने वाला है कितना। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल नॉलेज अरीना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में है बेल आइकॉन, यार उसे ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऐसे टेस्ट को, बताए स्टार्ट कर लेते हैं यार क्या बोलने की जरूरत है, चलिए स्टार्ट करते हैं 5 मिनट की चार्जिंग और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें टॉक टाइम मिलता कितना है। फ्रेंड्स यहाँ पर हो गए 5 मिनट कंप्लीट और देखते हैं कि हमारा ओप्पो F11 Pro चार्ज हुआ है कितना और फिर उसके बाद हम करेंगे इस फोन पर एक कॉल। और सबसे पहले मैं टाइमर को सेट करूंगा 30 मिनट पर, सबसे पहले जो कॉल हम करेंगे वो 30 मिनट की करेंगे और देखते हैं कि ये बैटरी 30 मिनट तक सर्वाइव करती है या नहीं। फ्रेंड फोन हो गया यहाँ पर पावर ऑन और हम देखते हैं कि ये फ़ोन हमारा चार्ज हुआ है कितने परसेंट पे। तो यहाँ पर 5 मिनट में ये फ़ोन चार्ज हुआ है 8% पे। तो गाइज मैं अब करने वाला हूँ इस फ़ोन पर एक फ़ोन कॉल जो कि मैं सेलुलर नेटवर्क से करूँगा और यहाँ पर मैंने टाइमर सेट कर दिया है 30 मिनट्स का। तो अब मैं कॉल मिलाऊँगा इस नंबर पर अपने दूसरे नंबर से और फिर हम अपने इस टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या मामलात रहते हैं और ये बैटरी सर्वाइव करती है कितना, 30 मिनट चलती है या नहीं। और यहाँ पर कॉल आ गई है और यहाँ पर मैंने इस टाइमर को कर दिया स्टार्ट।
वेल गाइस, यहाँ पर 30 मिनट्स हो गए हैं पूरे कंप्लीट और अभी तक ये कॉल चल रही है और मैं यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ इस कॉल को। और यहाँ पर 30 मिनट तक कॉल चलने के बाद बैटरी जो है वो आ गई है 1% पे। तो लग ऐसा रहा है कि यहाँ पर ओप्पो ये क्लेम नहीं करेगा कि आप 5 मिनट चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद आपको मिलने वाला है 2 आवर का टॉक टाइम। तो अब मैं टाइमर को सेट कर देता हूँ अगेन 5 मिनट के लिए और फिर हम कॉल करेंगे और फिर देखते हैं कि यहाँ पर ये फोन और कितना सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पर आप टाइम दे सकते हैं 30 मिनट पहले किए कंप्लीट इस फोन कॉल ने और उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट अगर हम लगा लें 30 सेकेंड्स या 38 सेकेंड्स तो यहाँ पर ये फोन अराउंड 31 मिनट तक सर्वाइव कर सका इस कॉल पे। तो यहाँ पर ओप्पो का F11 Pro 5 मिनट चार्ज करने के बाद अराउंड 31 मिनट तक का आपको टॉक टाइम दे सकता है। वेल गाइस, ये थी वीडियो और इसी तरीके की वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर अलॉट, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।